आज वट सावित्री पूजा है। हाँ, क्यों करती है आप लोग? पति की लंबी आयु के लिए। जी कहाँ से आए हैं? बस यही पे से, गंगा रोड से। तो देखिए कितना उत्साह है, नवविवाहिता से लेकर सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी यहाँ पूजा कर रही है। आज वट वृक्ष पूजा है, क्यों करती है? हाँ? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? खुशबू गुप्ता। कहाँ रहती है? आपको भी बहुत बहुत बधाई है खुशबू जी, भट्ट सावित्री पूजन की। जी एक मिनट मैडम, आपका शुभ नाम जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अंजलि कुमारी। तो अंजलि जी क्यों आज पूजा कर रहे हैं और पंखा भी डुला रहे हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए, कहिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पति के लंबर मांग के नई शादी हुई है। हाँ। पहला पूजा है। हाँ। तो आनंद उठाइए, बहुत बहुत बधाई है। तो इस तरह से महिलाओं में अति उत्साह है और अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं वट वृक्ष जी को धागा बांध रही हैं, पंखा से हवा दे रही हैं ताकि वो खुश हों और उनके पति की लंबी आयु। पति परमेश्वर से सिवा मुझे ना कोई वर चाहिए, मैं सुहागन रहूं साथ जन्मों तक मुझको मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर पति के लंबा उम्र के लिए हम लोग बरपति पूजा। ये कहाँ से आए आप? ये ना आए हैं वृंदावन। कितना साल से पूजा करते हैं? बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से महिलाओं में उमंग है और हिंदू धर्म का आज लोग 30 साल 32 साल से अपनी ये बर पूजा बर सावित्री का पूजा कर रहे हैं। उस लड़के को सावित्री ने अपने मन ही मन उनका वरण कर लिया, यानी पति मान लिया। अच्छा। नारद जी इस बात को जानते थे कि इस सत्यवान का साल भर का ही आयु है, तो एक बरस की आयु है, लेकिन फिर भी ये नारद जी को इनको जानकारी देनी चाहिए था, नहीं दिए। ये तो है सो बर वरण कर लिया, कर लेने के बाद में विवाह कर लिया। तब नारद जी ने की कहे सावित्री से कि है सावित्री तुमने ये क्या किया? सावित्री कही कि छोड़िए, अब तो जो हमारा लड़कपन जो बुद्धि हुआ करिए दिया। तो अंत में क्या हुआ? अंत में हुआ कि सावित्री अपने सत्यवान के लिए जब प्राण हरने के लिए जब जमराज आए तो उसके पीछे पीछे अपने पति के पीछे पीछे चल दिया। जमराज ने पूछा कि ऐ सावित्री तुम पीछे क्यों जाती हो? जाता है मरा हुआ आदमी जाता है। कहन कि नहीं, जब तक हमारे पति को आप लौटाइएगा नहीं नहीं जाएंगे। कहन कि क्या चाहती हो? जो मांगोगे हम देंगे। तो जमराज ने सावित्री ने कहा कि मुझे 3 बार चाहिए, मेरे पति को वापस लौटाइए, मेरे सास ससुर को आंख जो है नेत्र को लौटाइए, और मेरे सास ससुर को मेरा सास ससुर को राजपाट लौटा दीजिए। तो सत्यवान जमराज ने कहा कि जाइए तथास्तु देकर और वहाँ से चल दिए। उसके बाद में फिर अपना सब परिवार मिलकर देहाश्रम में लग गए। इसीलिए पूजा होता है बट सावित्री उसी दिन से। आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? श्री आचार्य राधेश्याम शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद।